हेलो फ्रेंड, हिंदी टेकअप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल को किस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि छोटा कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करने के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको जो ऑप्शन बताऊंगी उससे आप बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि कुछ सेकेंड्स में ही पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, और वो भी उसकी क्वालिटी में बिना कोई चेंज आए। बट फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हिंदी टेकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर रेड कलर की जो बटन आपको दिखाई देगी उस पर क्लिक करके हिंदी टेकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाकर टाइप करना होगा www.smallpdf.com। ये देखिए फ्रेंड, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंप्रेस पीडीएफ। फ्रेंड इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि छोटा कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे पीडीएफ कन्वर्ट, पीडीएफ टू पीपीटी। तो फ्रेंड आप इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं अपने दूसरे कामों के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करके दिखाती हूँ। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, कंप्रेस पीडीएफ। फ्रेंड ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चूज फाइल, तो इस पर क्लिक करके आप अपने पीडीएफ फाइल को चूज कर लीजिए। तो चलिए इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है 7.57 MB की, तो चलिए इसको ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक कर दिया। अब ये फाइल अपलोड हो रही है। फ्रेंड अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो यहाँ पर अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखकर आ गया वी कंप्रेस्ड योर पीडीएफ बाय 56.87%, मतलब कि ये पीडीएफ फाइल जो थी मेरी 7.57 MB की वो अब 3.27 MB की बन गई है, मतलब 50% से भी ज़्यादा कंप्रेस हो गया है। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पर क्लिक करके इस नए पीडीएफ फाइल को, जो कंप्रेस हुई नई फाइल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आपकी पीडीएफ फाइल अगर कोई ऐसी फाइल है जो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि कुछ ऐसा जैसे कि बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपकी स्टेटमेंट हो बैंक से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप कंप्रेस करने से पहले थोड़ी सावधानी रखें या यहाँ पे कंप्रेस ना करें उस फाइल को। फ्रेंड मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हिंदी टेकअप चैनल को सब्सक्राइब करें।